बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि जो हमारी टॉपिक है आज की वो है DPC डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, कितनी देर के बाद ब्रिक वर्क उसके ऊपर स्टार्ट करना चाहिए, वो सभी डिटेल्स बताता हूँ इस वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, आने वाले समय में हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताऊँगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिक वर्क हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि ये जो पोर्शन में ये कॉलम से लेके वो कॉलम तक ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिया गया है DPC, मतलब डैम प्रूफ कोर्स बोल सकते हैं और सिंपली बेड बोल सकते हैं, और बेड बोल सकते हैं ये वाला जो है बेड बोल सकते हैं इसको, बेड और DPC बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितने लेवल पे डालना चाहिए, कितनी हाइट पे ये प्रोवाइड करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसा कि हम DPC प्रोवाइड करते हैं जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से 0.8 मीटर या 0.9 मीटर या लास्ट 1 मीटर के अंदर हम क्या करते हैं, 1 मीटर के ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं, अंदर नहीं, 0.8 मीटर के बाद या 0.9 मीटर के बाद लास्ट 1 मीटर के बाद हम DPC प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली 0.8 मीटर। तो यहाँ पे जो DPC प्रोवाइड किया है, ये जो बेड प्रोवाइड किया है यहाँ पे 1 मीटर के बाद में प्रोवाइड किया गया है, 1 मीटर के बाद में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसका थिकनेस भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो DPC का थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस जो है DPC का ये बेड का है 4 इंचेस, मतलब 0.10 मीटर, 100 mm यहाँ पे इसका थिकनेस है, 100 mm इसका हाइट है, यहाँ पे जो इसका हाइट है 100 mm है। और जब भी आप डैम प्रूफ कोर्स करते हैं, DPC करते हैं, आपको DPC करने के बाद सडन आपको उसके ऊपर वॉल लेना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे DPC होने के बाद, जैसे कि यहाँ पे वॉल ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक दिन पहले यहाँ पे कंक्रीट वर्क, बेड वर्क हो चुका है, यहाँ पे एक दिन पहले ही यहाँ पे DPC का वर्क हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो जितना भी वर्क है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे बेड वर्क जो हो चुका है, यहाँ पे DPC जो हो चुका है, डैम प्रूफ जो कोर्स हो चुका है, वो एक दिन पहले हुआ है। जब भी आप DPC प्रोवाइड करते हैं, DPC कंक्रीट करते टाइम पे फर्स्ट तो आपको वहाँ पे स्टील डालना होगा, नीचे के साइड में आप स्टील डाल के आपको प्रोवाइड करना है, सेकेंड ऑप्शन क्या है बोले तो यहाँ पर वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये है, जैसे कि कॉलम है, वहाँ पे कॉलम है, कॉलम को वहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल करके, जहाँ तक ये कॉलम का यहाँ पे फेस है, कॉलम के फेस को यहाँ पे जब भी आप स्टील प्रोवाइड करेंगे, कॉलम के फेस को थोड़ा सा ड्रिल करके, थोड़ा सा 1 इंच उतना ड्रिल करके या 2 इंच तक ड्रिल करके उसके अंदर आप बार को डाल सकते हैं। बार को डालने के बाद